आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दो रिजल्ट जारी किए हैं। अभी दो प्रेस नोट हुए जारी, अभी शाम 7 बजे की ताज़ा अपडेट है। हम वीडियो पर चलेंगे, उससे पहले इस चैनल पर आप हमारे नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा शिक्षा जगत की जो ऑथेंटिक खबर समय समय पर दी जाती है वो आपके। और इसी के साथ चलते हैं खबर की ओर। ये आप देख सकते हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 13/7/2020 कार्यालय आदेश, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2018 के अंतिम रूप से चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के पद स्थापन की अभिशंसा कर दी गई है। आप देख सकते हो 1/6/2020 को इस परीक्षा में शेष 6 पदों एवं बैकलॉग 172 पदों के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इन अभ्यर्थियों की दिनांक 15/6/2020 और दिनांक 23/6/2020 तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की दिनांक, और ये दे सकते हो नॉन TSP के जो अधीनस्थ विभाग कार्यालय, और ये कट ऑफ रही है 140.543, ये कट ऑफ रही है दोस्तों। और ये मुकुट रिजल्ट जो सचिव महोदय हैं उनके साइन, इसके साथ एक रिजल्ट और आया है, ये दे सकते हो आप 13/7/2020। काफ़ी दिनों से इंतजार था कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का जो रिजल्ट आया है, जिसमें पीटर वेल्डर ये जो पोस्ट थी उनमें आप देख सकते हो कोपा जो विद्युत बिजली विभाग फिटर के ये जो रोल नंबर है ये आप देख सकते हो, ये सचिव मोदी के साइन है। और इस प्रकार दो ताज़ा अपडेट आज दी है, और लगातार राजस्थान की सरकार के बीच उठापटक चल रही है, उसी में बेरोजगारों को दो बड़ी राहत है। और दोस्तों, इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेनी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब चलते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।